मोटो एच 30 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ इस फ़ोन से। तो इसीलिए मैंने अपनी प्राइमरी सिम इसमें डाल ली है और मैं पूरी कोशिश करूँगी पहली सेल से पहले ही मैं ये रिव्यू पोस्ट कर दूँ ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इस फ़ोन की तरफ जाना भी चाहिए या फिर नहीं। और बाय चांस अगर ये वीडियो पहली सेल से पहले नहीं आता है तो मैं ये उड़ा दूँगी ये वाली लाइन, बट कोशिश पूरी है यहाँ पर। और अकेले इसी फ़ोन के बारे में बात नहीं होगी, इसके रेफरेंस में मैं Xiaomi 11 Lite एनी 5G को ले रही हूँ, एक 27,000 का है जिस पर काफ़ी तगड़े डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। मोटो पहली सेल में ही 2,000 का डिस्काउंट दे रहा है तो डेफिनेटली दोनों के रेफरेंस में बात करना तो बनता है। तो फिर शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एनी 5G के अंदर Qualcomm Snapdragon 778G चिपसेट देखने को मिल रहा है। और आपको भी पता है मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में जब भी किसी भी फ़ोन में इस चिपसेट को टेस्ट किया है तो यही चीज़ बोली है काफ़ी स्टेबल परफॉर्म कर रहा है, बीट वो एनी 5G हो, सैमसंग गैलेक्सी A52s हो या फिर मोटो का ही H20 क्यों ना हो, हर जगह काफ़ी स्टेबल परफॉर्म किया है। लेकिन अभी यहाँ पर मोटो एच 30 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा अपग्रेड हुआ है स्नैपड्रैगन 778G से। और ये अपग्रेड आपको देखने को मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 778G प्लस चिपसेट की फॉर्म में। अब ये प्लस लगाने से कितना डिफरेंस आ रहा है ये आपको समझ में आएगा, मैंने कुछ टेस्टिंग करी है उसके थ्रू। यहाँ पर सबसे पहले CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट मैंने किया, चार बार करा था, यहाँ पर चारों रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। शुरुआत में दोनों ही चिपसेट थोड़ा थ्रॉटल कर रहे थे लेकिन एट दी एंड जैसे जैसे मैं टेस्ट करती गई मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मोटो ना हर टेस्ट के बाद थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है और एंड तक आते तक तो मतलब जो मैंने लास्ट टेस्ट परफॉर्म किया उसमें इसने काफ़ी कम थ्रॉटल किया है। लेकिन इसके बाद जब मैंने वीडियो एडिटिंग टेस्ट करके देखा तो बीटा में रेंडर किया था लेकिन जब तक Xiaomi ने 79% या 80% तक वीडियो रेंडर किया था तब तक मोटो ने पूरा वीडियो रेंडर कर दिया था। तो यहाँ से मैं क्लियर हो चुकी थी कि डेफिनेटली ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और मैंने गेमिंग वगैरह भी दोनों फ़ोन में करके देखा है, BGMI में आपको सेटिंग्स बिल्कुल सेम मिलेगी, स्मूथ में आप एक्सट्रीम तक जा सकते हो लेकिन मोटो में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मेरे को ज्यादा स्मूथ देखने को मिला है। 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है तो ओवरऑल ज्यादा बेटर तरीके से गेमिंग आई गेस आप मोटो में डेफिनेटली कर पाओगे। बाकी तो देखो 5G के मामले में दोनों फोन में अच्छा काम हुआ है, Xiaomi में हमें 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मोटो में 13 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया हुआ है लेकिन अगेन आपको UI में काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगी कि आपको कौन सा UI पसंद है या फिर आपको इसी को पसंद करना चाहिए, टोटली आपकी चॉइस है। किसी को एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड फोन पसंद आते हैं तो किसी को एकदम लोडेड कस्टमाइज्ड UI पसंद आता है, तो वहां पर मैं नहीं जाऊंगी, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स मोटो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिला और Xiaomi आउट ऑफ द बॉक्स तो एंड्रॉइड 11 के साथ आया था लेकिन इसमें एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है और उसकी वजह से काफी इंप्रूवमेंट हुए हैं इस फोन के अंदर जो मैंने पर्सनली नोटिस करे हैं। खैर अभी बढ़ते हैं आगे और एक बार देख लेते हैं कि आखिर मोटो एस 30 के कैमरास कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं पुराने जो फ़ोन है Xiaomi 11 Lite एनी 5G के कंपैरिजन में। मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ कैप्चर करे हैं रियर कैमरा से हर एक कंडीशन में। एक चीज़ तो साफ आप भी नोटिस कर सकते हो, दोनों ने अपनी अपनी कलर साइंस लगाई है, कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर Xiaomi ने थोड़े से कलर्स को बूस्ट किया है, मेरी टी शर्ट का कलर यहाँ पर काफ़ी बूस्टेड नज़र आ रहा है, मोटो ने थोड़ा सा नेचुरल रखने का कोशिश किया बट ये भी पूरी तरह से नेचुरल नहीं है। एक और चीज़ है, मोटो ना हर एक्सपोजर को काफी अच्छे से बैलेंस करता है और Xiaomi का तो मैंने आपको एक दिक्कत बताई है ना, मतलब ये इनके फोन का होता है ऑटो HDR मोड प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है तो कई जगह जहां पर पीछे लाइट ज्यादा होती है वहां पर ये एक्सपोजर को नहीं बैलेंस कर पाता है। बाकी अगर आप अल्ट्रा वाइड वगैरह में भी फोटोज लेते हो ना तो मोटो थोड़ा सा ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू भी रखता है प्लस ज्यादा बेटर डिटेल्स वगैरह आपको वाइड एंगल में मोटो के फोन में देखने को मिल पाएगी। लेकिन मैक्रो सेंसर की अगर बात की जाए तो आप Xiaomi से काफी डिटेल काफी क्लोज जाके मैक्रो फोटोज ले सकते हो फॉर श्योर, तो मोटो से ज्यादा बेटर मैक्रो फोटोज Xiaomi में आपको देखने को मिलेगी। प्लस लो लाइट में अगर आप फोटोज कैप्चर करते हो तो यहाँ पर तो मतलब Xiaomi आसपास भी नहीं है क्योंकि मोटो काफ़ी डिटेल्ड काफ़ी ब्राइट, नॉर्मली लो लाइट में मैंने फोटोज ली ना तो Xiaomi तो मतलब फोकस भी नहीं कर पा रहा था और मोटो इतनी अच्छी फोटोज निकाल के देता है और कहीं ना कहीं
ये कमाल है OIS का। बाकी यहीं पर अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो एक चीज़ तो आपको समझ में ही आ जाएगी कि Xiaomi के फ़ोन में थोड़ी सी ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू रहता है सेल्फीज़ में, और थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स कलर्स वगैरह भी मुझे Xiaomi की सेल्फी में नज़र आए हैं मोटो के कंपेरिजन में। मोटो कई बार ना एक्सपोजर को भी नहीं बैलेंस कर पाता, थोड़ी सी स्मूथनेस भी रह जाती है फेस पर। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ सेल्फी कैमरा के मामले में मुझे Xiaomi थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है, और रियर कैमरा के मामले में मतलब जिस तरह से मोटो लो लाइट वगैरह में फोटोज़ ले पाता है और वाइड एंगल में जिस तरह से फोटोज़ ले पाता है, तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ रियर कैमरा के मामले में मोटो थोड़ा बेटर है, फ्रंट में Xiaomi थोड़ा बेटर है। और वैसे अगर आप फ़ोन से वीडियोज़ भी बनाते हो तो दोनों ही फ़ोन से आप 4K 30fps रियर साइड से शूट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन मुझे दोनों ही फ़ोन का काफ़ी कमाल का लगा है यहाँ पर, लेकिन फ्रंट में मैं एक चीज़ बता दूँ, मोटो के फ़ोन से आप मैक्सिमम 4K 30fps और 1080p भी 30fps में ही शूट कर सकते हो, मतलब 60fps में शूट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप 4K तक की सेटिंग में शूट कर पाओगे। Xiaomi में आप 1080p 60fps ये मैक्सिमम सेटिंग है। तो हाँ, वीडियोस के मामले में कुछ किए सीन है। एनीवेज, इसके अलावा तो दिखने से ही समझ में आ रहा है कि दोनों फ़ोन कितने ज़्यादा स्लिम है। स्पेसिफिकली अगर बताऊँ तो मोटो 6.79mm की थिकनेस के साथ आता है, Xiaomi 6.81mm की थिकनेस, 0.02mm का डिफरेंस है बस। बट हाँ, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, सुपर स्लिम है दोनों स्मार्टफोन, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। Xiaomi जो है 160 ग्राम का है और मोटो 155 ग्राम का निकल के आया है, 4-5 ग्राम का डिफरेंस है, लेकिन जब आप हाथ में होल्ड करोगे ना तो मोटो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लगने वाला है। आई मीन बहुत ही हल्का है ये स्मार्टफोन फॉर सम रीज़न। कहीं ना कहीं जो Xiaomi इतना डेंस है उसके पीछे रीज़न ये है कि ये ग्लास बिल्ड के साथ आता है। फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है, मोटो में फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की, बैक में PMMA प्लास्टिक दे रखा है जो कि एक तरीके का एक्रेलिक मटेरियल होता है और ये काफी स्ट्रांग होता है। मैंने लिटरली इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके देखा कि मतलब ये है क्या चीज, तो मुझे पता लगा यहां पर कि एयरक्राफ्ट की जो कैनोपीज होती है या फिर जो बहुत ही शटर प्रूफ विंडोज जो बनाते हैं वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो ट्रू सेंस में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पर फ्रंट में भी इन्होंने पी ओलेड पैनल लगाया है जो कि एक प्लास्टिक का ओलेड पैनल है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मोटो के फ़ोन आजकल स्लिम हो रहे हैं और इतने लाइट वेट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेल रहा है मतलब मोटोरोला यहाँ पर फ़ोन को थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट और फॉर्म फैक्टर अच्छा देने के पीछे। लेकिन हाँ देखो, फ़ोन अगर स्लिम होते हैं ना तो थोड़े बहुत चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो दोनों ही फ़ोन में 3.5mm का जैक नहीं दे रखा। साथ ही में अगर आप यहाँ पर सिम स्लॉट भी देखोगे तो मोटो के अंदर आपको नैनो सिम स्लॉट मिलेगा, आप SD कार्ड डाल ही नहीं सकते हो। Xiaomi में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया हुआ है जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप शायद SD कार्ड लगा लो अगर आप एक सिम कार्ड डालोगे तो। हाँ, बैटरी के मामले में तो मतलब ऑल्दो सुपर स्लिम स्मार्टफोन है तो आप ऐसे 5-6 हज़ार तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मोटो में 4020mAh की है, Xiaomi में 4250mAh की बैटरी दी हुई है। इतने सारे जो मैंने टेस्ट परफॉर्म किए ना सेम टाइम पर, मतलब सेम बैटरी मेरा चार्ज था, एक ही साथ बैटरी ड्रेन हो रहा था और 2-3% का डिफरेंस मुझे देखने को मिला यहाँ पर। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप ऐसे नॉर्मल यूज़र हो तो आराम से आपको एक दिन तक का बैकअप मिल जाएगा। एक एडवाइस यहाँ पर दे सकती हूँ, अगर आप रिफ्रेश रेट को ऑटो में रख के फ़ोन को यूज़ करोगे तो हो सकता है एक दिन से ज़्यादा का बैकअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। लेकिन चार्जिंग के मामले में मोटो का फ़ोन एग्जैक्टली 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, Xiaomi को 1 घंटा 15-20 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पर। बाकी ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि मोटो के स्मार्टफोन में हमें पी ओलेड पैनल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पी ओलेड पैनल की एक मुझे काफ़ी सही चीज़ ये लगी है कि ये आउटडोर्स में काफ़ी तगड़ी ब्राइट रहती है। Xiaomi के साथ ही अगर मैं बात करूँ तो मैं दोनों फ़ोन को साथ में आउटडोर्स में यूज़ कर रही थी और Xiaomi के कंपेरिजन में मोटो काफ़ी अच्छी खासी ब्राइट थी। ऐसा नहीं है इससे पहले मेरे को Xiaomi के फ़ोन को आउटडोर में यूज़ करते हुए कभी प्रॉब्लम हुई है, नहीं, मैंने किसी भी वीडियो में ये मेंशन नहीं किया, लेकिन मोटो जिस तरह से ब्राइट रहता है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। लेकिन हाँ, कलर्स वगैरह के मामले में अच्छे हैं, 10-bit डिस्प्ले, HDR10+ सर्टिफाइड है, तो क्वालिटी दोनों की अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, लेकिन रिफ्रेश रेट में भी आपको गजब का डिफरेंस पता लगने वाला है। मोटो का फ़ोन मतलब ऑब्वियसली 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो 90Hz के साथ तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। 144Hz डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर चलता है। प्लस यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स भी दे रखे हैं मोटो के स्मार्टफोन में जो कि काफ़ी सही है, और मैंने यहाँ पर जब Xiaomi के फ़ोन के साथ कंपेयर करके देखा, क्योंकि अभी तक मैं कई बार आपको बताया कि Xiaomi के जो स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं इन जनरल, लेकिन यहाँ पर Xiaomi से भी थोड़े से ज़्यादा बेटर मुझे मोटो
ओटो के स्पीकर्स लगे हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा काम हुआ है। तो हाँ, ओवरऑल आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर कि मोटो लग रहा है कि आज की तारीख का लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है। इस वजह से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है, यहाँ पर PMMA मटेरियल बैक में यूज़ किया है, फ्रंट में OLED पैनल। ओवरऑल इसकी वजह से फ़ोन काफ़ी स्लिम लाइट वेट बन चुका है, डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट बेटर है, रेडी फॉर फीचर है। तो काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मतलब Xiaomi में नहीं है। Xiaomi में एक एक्सक्लूसिव चीज़ है, लेकिन यहाँ पर IR ब्लास्टर का सपोर्ट दे रखा है, जो कि Xiaomi Redmi Poco का ही एक अपना पार्ट है। बट आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि आज की डेट में अगर आपको फ़ोन लेना है तो डेफिनेटली आप 26, 27, 28 जितने में भी ये फ़ोन मिल पाता है, डेफिनेटली आप इसकी डील को ग्रैब कर सकते हो। बाकी मैंने मोटो का एक वीडियो ऑलरेडी कर लिया, नहीं देखा देख लेना। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।